बोलती है कि मतलब पापा मैं बड़ा नहीं हो पाऊंगा क्या? रहने के ठीक है ना, खाने के ठीक है, घर पर एगो बच्चे की छोड़ के आए हैं। अपना से तो मैं बाप हूँ, अपना से कसर छोड़ूंगा नहीं, जो बनेगा मैं करूँगा। ना ऐसे कहे, बेटा है ये नहीं ना हमारा बेटा है, समझाते हैं कि जितना बनेगा बेटा उतना ही करेंगे हम। આ બાળકી તમને દેખાતી હશે 3 વર્ષની, પરંતુ તેની ઉંમર 9 વર્ષની છે. ઝારખંડ રાજ્યથી દિલ્હી આવેલી સુપ્રિયા કેન્સરથી પીડિત હતી. કેન્સરથી ઠીક તો થઈ, પરંતુ તેને એક દુર્લભ પ્રકારના ગેર કેન્સરયુક્ત બ્રેઇન ટ્યુમર થઈ ગયું છે. સુપ્રિયાની સારવાર રાજધાની દિલ્હી સ્થિત એઇમ્સ હોસ્પિટલમાં ચાલી રહી છે. यहाँ बच्ची का इलाज के लिए एम्स हॉस्पिटल में आए हैं. हमारा आए हुए 15 से 20 दिन हो गए हैं. किस चीज़ का इलाज है? वो बच्ची का ब्रेन ट्यूमर है, उसी का इलाज, ऑपरेशन हुआ है और थोड़ा हाइट में प्रॉब्लम हो रहा है, इसीलिए उस आए हैं यहाँ पे. सुप्रिया ने सारवार माटे परिवार ने दिल्ली आवू पड़े छे अने छेल्ला थोड़ा दिवसों थी तेओ एम्स नी बहार बनेला शेल्टर होम में छे. खेती बाड़ी करके आता हूँ यहाँ पे, टाइम निकाल करके उसी में 15 दिन 1 महीना रुकता हूँ यहाँ पे, फिर इलाज करा करके चल जाता हूँ खेती बाड़ी करने. अभी तो चला रहे हैं, वो मुमकिन रहता तो हम तो अपना से इलाज प्राइवेट में भी कराते, यहाँ टाइम नहीं देते, सरकारी की वजह से उतना पैसा नहीं है, इसलिए यहाँ पर टाइम दे रहे हैं. सुप्रिया जारे 2 वर्षनी हती तो ब्रेन में ट्यूमर थयो अने ख्याल पड़ो कि तेमने कैंसर छे. તેની સારવાર થઈ, તે સાજી પણ થઈ ગઈ, પરંતુ હવે ફરી ટ્યુમર થયું છે, જેનું ઓપરેશન કરી ડોક્ટરોએ તેને સાજી તો કરી, પરંતુ હવે સુપ્રિયાનો શારીરિક વિકાસ રોકાઈ ગયો છે. ડોક્ટરોનું કહેવું છે કે શારીરિક વિકાસ માટે સુપ્રિયાને હોર્મોનનું ઇન્જેક્શન લાગશે, પરંતુ તેના માટે પરિવાર પાસે પૈસા નથી. पहले बोले डॉक्टर कि आपका 4 लाख पड़ेगा 1 साल का, लेकिन फिर हम बोले कि इतना नहीं हो पाएगा, तो बोले कि कुछ हम इसमें कम कर देंगे, तो 1,80,000 का वो बनाए हैं बिल 1 साल का, तो बोले कि 1 साल चलेगा इसका आपका इंजेक्शन का है. बोले हैं पैसा के लिए कि पैसा आपका व्यवस्था हो जाएगा तो इलाज चालू कर देंगे, लेकिन पैसा हमारे पास व्यवस्था नहीं हो पाया, इसलिए अभी उन लोग भी इलाज नहीं चालू किए हैं इसका. बोले हैं डॉक्टर कि जितने जल्दी कीजिएगा उतने अच्छा है, फिर लेट करिएगा तो दिक्कत होगा, पैसा वैसा जुगाड़ करके इसको सुई लगेगा तो जल्दी तो हाइट उइट ठीक बढ़ जाएगा, और ना तो फिर हाइट उइट नहीं बढ़ेगा 10 साल के बाद, फिर दिक्कत है हाइट में. अब समय कहाँ है, अब तो 6 महीना समय है, अब